हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। और मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है। आज का करीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया जब से मैंने अपनी शॉप चेंज की है, उसके बाद मैंने अब बनाई है। और मुझे सही में टाइम नहीं मिल रहा है और ना ही मेरा मन कर रहा है बनाने का, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है तो इसीलिए मन भी नहीं किया बनाने का। तो मैंने आज कोई व्लॉग नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है मैंने, सिर्फ आप लोगों को मिस कर रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनाई है। और ये वीडियो है, एक चैनल है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा, जिनके चैनल का नाम ये है और उनका नाम है आरती। तो उनके हस्बैंड हैं, उनके हस्बैंड की जो तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी किडनी, दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। और उनके यहाँ पे जो है कोई कमाने वाला नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ हैंडल कर रही हैं जो भी है जैसे भी। और उनका एक छोटा बेटा है, 1 साल का है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है। और मैं उनकी हर एक वीडियो देख रही हूँ, अच्छी लगती हैं क्योंकि वो बहुत सारी वीडियो उन्होंने बनाई हैं, सब में सबसे हेल्प मांगी है और हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके या पैसों से भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो है 4000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर 4000 सब्सक्राइबर में एक बंदा 200 रुपये भी करता है तो 8 लाख बैठते हैं। और हर किसी की नहीं है कि हर कोई हेल्प करे, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हैं, दोनों किडनी उनकी फेल हो चुकी हैं और उनकी वीक में 2 बार डायलिसिस होती है। तो उनको जो है पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पैसे से ही की हेल्प की जा सकती है। वैसे तो वो किडनी अपने आप ही देंगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था। और अच्छी हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इसी वजह से कि, और हर परेशानी जो है किसी के साथ भी आ सकती है, हमारे आपके किसी के साथ भी आ सकती है। और तो बस यही आप लोगों तक पहुंचाना था कि उनकी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो को शेयर करें और हेल्प करें, जिससे उन्हें थोड़ी सी पैसों की जो है उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए और उनके हस्बैंड ठीक हो जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम जो है या बीमारी कभी कह के नहीं आती और ये किसी पे भी आ सकती है, हम पे आप पे किसी पे किसी के पास भी आ सकती है। बीमारी का तो पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ कैसे शुरू हो जाए। तो बस यही था आप लोगों तक पहुंचाना, और मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा नहीं था, बस उनकी वीडियो को देख के लगा कि इनकी किसी तरीके से तो हेल्प की जाए। हेल्प तो हेल्प है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और सब यूट्यूबर्स उनकी हेल्प करने में लगे हुए हैं, उनकी वीडियो में बनाने वीडियो उनके ऊपर वीडियो भी बनाई हैं। और मैंने उनके कमेंट्स भी पढ़े थे, तो कुछ लोगों ने उनकी पैसों से भी हेल्प की है, गूगल पे उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है। तो आप सब लोगों से यही है कि थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट उनके पेटीएम या गूगल पे जो भी उन्होंने दिया हुआ है उसमें करें, तो उनकी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और अच्छा होगा, उनके हस्बैंड ठीक हो जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बेचारी बहुत परेशान रहती हैं। जब भी वीडियो बनाती हैं तो उनके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं पहले, और अच्छा लगता है उनकी वीडियो देख के एकदम से, मतलब अपने आप को भी ऐसा लगता है कि भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना हो जैसा उनके साथ हो रहा है। और उनकी वीडियो में कोई और भी नहीं दिखता है, सिर्फ उनके हस्बैंड, उनका बेटा और वो, सिर्फ तीनों हैं। उनके ऊपर कोई ऐसा बड़ा मेंबर भी नहीं है, कोई फैमिली मेंबर। उनका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो में, जितना भी देखा है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग उनकी हेल्प करें। और मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं अपने व्यूज़ के लिए उनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, तो बस ये है कि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, हमारा तो कुछ नहीं, बस उनकी हेल्प हो जाएगी तो उनका उनके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाए। और बस यही प्रे है कि उनके हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो चलो भाई, मेरी वीडियो मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, वीडियो बनाने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि दुकान जो है थोड़ा सा दुकान को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और इसी वजह से वीडियो नहीं बननी। बट मैंने आज सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी वीडियो आप लोगों तक बनाऊँ और पहुँचाऊँ, और आप लोगों का भी हालचाल पता चल जाएगा वीडियो के थ्रू। तो चलो भाई, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अब क्योंकि मेरा हो रहा है दुकान जाने का टाइम, तो बाय बाय।